दोस्तों, इस दुनिया में भगवान हर किसी को कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई खूबी देकर भेजता है। बहुत से लोग अपने अंदर के छुपे उस टैलेंट को पहचान लेते हैं, उस पर मेहनत करते हैं और अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग अपने अंदर छुपे उस टैलेंट को पहचान ही नहीं पाते, सिर्फ दुनिया के काम करने में लगे रहते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, बनना क्या है। चलिए, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। एक बार एक शिप के इंजन में कुछ खराबी आ गई थी, जिस कारण वो शिप स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। उस शिप का ओनर बहुत ही दुखी था, क्योंकि अगर शिप स्टार्ट ना हुई तो उसका काम रुक जाएगा, और अगर उसका काम रुका तो उसे जाने से कितने पैसों का नुकसान हो जाएगा। अब उस शिप के ओनर ने बहुत बड़े बड़े मैकेनिक्स, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाया। सभी ने कुछ ना कुछ करने की कोशिश की, लेकिन शिप को कोई भी ठीक नहीं कर पाया। फिर उस ओनर का एक दोस्त था, जिसने उसे यह सलाह दी कि दूसरे शहर में एक बहुत ही मशहूर मैकेनिक रहता है, तुम उसे बुला कर देखो, वो ज़रूर तुम्हारी शिप को स्टार्ट कर देगा। अब मालिक के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं थी, तो उसने ऐसा ही किया और अगले दिन ही उस मैकेनिक को बुला लिया। उस मैकेनिक ने 2 घंटे लिए और शिप में इधर उधर घूमा, उस शिप को अच्छे से देखा, और 2 घंटे बाद उसने नोटिस किया कि शिप के इंजन में एक जगह थी जहाँ का एक स्क्रू, एक नट बाहर निकला हुआ था। उस नट को अंदर करना था और इसी कारण से वो शिप स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। वो उस ओनर से कहता है कि आप एक हथौड़ा मंगवा दीजिए और उसके बाद इस शिप को अब देख लेना, ये स्टार्ट हो जाएगी। मालिक ऐसा ही करता है, हथौड़ा मंगवा कर दे देता है। वो उस हथौड़े को लेता है, नट को अंदर कर देता है और ओनर से कहता है आप शिप को स्टार्ट कर देख लीजिए। ओनर बड़ा ही हैरान हो जाता है, वो सोच में पड़ जाता है कि इतने बड़े बड़े मैकेनिक और इंजीनियर कुछ ना कर पाए, और ये कहता है कि एक हैमर से एक नट को अंदर करने के बाद शिप को स्टार्ट कर देख लिए, वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो मैकेनिक उससे कहता है आप मुझ पर विश्वास तो करिए, इसे एक बार स्टार्ट कर देखिए तो सही। तो वो ओनर ऐसे ही करता है, शिप को स्टार्ट कर देखा जाता है, और हैरानी की बात तो यह है कि वो शिप स्टार्ट भी हो जाती है। वो ओनर बड़ा ही खुश हो जाता है और उससे धन्यवाद करता है, कहते हुए कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी शिप को स्टार्ट कर दिया, नहीं तो जाने इससे मुझे कितने पैसों का नुकसान हो जाता। आप अगले दिन अपना बिल भेज दीजिएगा, मैं आपका बिल चुका दूंगा। और ऐसा ही होता है, उस ओनर के ऑफिस में अगले दिन बिल आता है। वो ओनर उस बिल को देखकर हैरान हो जाता है, गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उस बिल के अंदर जो अमाउंट लिखी होती है वो 10 लाख रुपए की होती है। वो ओनर सोच में पड़ जाता है कि इसने 10 लाख रुपए कैसे मांग लिए, एक हैमर से एक नट को अंदर ही तो किया था इसने। और वो गुस्से में अपने एक वर्कर से कहता है जाओ उस मैकेनिक को मेरे ऑफिस में बुला कर लाओ। और ऐसा ही होता है, वो मैकेनिक उसके ऑफिस में आता है और गुस्से से भरा हुआ वो ओनर से कहता है क्या तुम पागल हो, तुमने क्या सोच कर इस बिल के ऊपर 10 लाख रुपए लिखे हैं, एक हैमर से एक नट को अंदर करने के लिए 10 लाख कौन लेता है, ये तो कोई भी आम इंसान कर। उसे बड़े प्यार से जवाब देता है कि 10 लाख रुपए मैंने उस हैमर से आपकी शिप को ठीक करने के नहीं लिए, उसके लिए तो मैंने सिर्फ 10 रुपए लिए, बाकी के पैसे तो मैंने अपने उस टैलेंट के लिए लिए जिसे मैंने ये पहचाना कि शिप में खराबी कहाँ है और मुझे अपने हैमर को कहाँ इस्तेमाल करना है, जो कि आपका बड़े से बड़ा इंजीनियर और मैकेनिक भी नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हें तो ये समझ ही नहीं आया कि शिप में खराबी थी कहाँ। तब उस शॉप की उस ओनर को ये बात समझ आ जाती है और दिल से उसे एक तसल्ली मिलती है और वो उसको उसका सारा बिल चुका देता है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस उदाहरण से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, कि क्या हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिना सोचे समझे हथौड़ा मारने में ही गुजार देते हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी में इस बात को समझते हैं कि हमें अपना टैलेंट कहाँ और किस तरीके से यूज़ करना है। बहुत लोग अपने अंदर के टैलेंट को पहचान लेते हैं, उस पर काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाते हैं, और बहुत लोग अपने अंदर के टैलेंट को पहचान ही नहीं पाते और इसलिए वो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ गुजारे लायक बना लेते हैं। अभी ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी गुजारे लायक बनानी है या फिर मेहनत करनी है, अपने टैलेंट को पहचानना है और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।